बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोहब्बत करने वाले के नज़दीक जन्नत की कोई कीमत नहीं हुआ करती, वो तो बस अपनी मोहब्बत में गर्क होते हैं। मोहब्बत की राह मोहब्बत की इल्लत होती है। सिर्फ वही इंसान मुहब्बे सादक हैं जो बकाए मोहब्बत में कामल तौर पर फना हो जाए। अगर इंसान 2 साल तक भी बागे मार्फत में सरगिश्ता रहे तब जाके कहीं एक फूल मिल सकता है। अगर क़यामत के दिन दीदारे खुदाबंदी से मुझे महरूम रखा गया तो मैं इस कदर गिरिया जारी करूँगा कि अहले जहन्नम भी अपनी तकलीफ भूल जाएंगे। अल्लाह ने अपनी खुशी से अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाया इसलिए कि मैं फकत बंदा होने की हैसियत से भला किस तरह उसके दीदार की तमन्ना करता। मुझे अल्लाह की बारगाह से सिवाय हैरत के कुछ ना मिल सका। उलूम एक ऐसा इलम भी है जिससे आलम वाकिफ नहीं। जो शख्स खुद को बेहतर तसव्वुर करता है उसका किसी जमात में शुमार नहीं होता। आशिक के लिए शौक ऐसी राजधानी है जिसमें तख्ते फराक बिछा हुआ है, शमशीरे हिजर रखी हुई है और वसले हिजर के आगोश में है, और शमशीरे हिजर से हर वक्त हजारों सर काटे जाते हैं लेकिन 7,000 साल गुजर जाने के बाद भी शाखे विसाल को कोई भी हाथ ना लगा सका। 3 बातें याद रखो, कोई तुम्हें मात नहीं दे सकेगा। अव्वल, दुनिया अहले इलम के लिए गुरूर है। दोम, आखरत अहले इलम के लिए सुरूर है। सोम, अल्लाह की दोस्ती अहले मार्फत के लिए नूर है। भूक एक ऐसा काला दिल है जिससे रहमत की बारिश होती है। अगर तुम किसी बुरी आदत में फंस जाओ तो उसे अच्छी आदत में तब्दील करने में सरगर्म रहो।